नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्या नाजा। सुबह के 9 बजने वाले हैं, वक्त न्यूज 100 का है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कुनेरू स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हुआ है। 23 की मौत, 100 घायल। जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस का इंजन और 8 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसा रात 11 बजे के करीब हुआ। ओडिशा के रायगढ़ से 35 किलोमीटर दूर विजयनगरम के कुनेरू स्टेशन के पास हुआ हादसा। चश्मदीदों के मुताबिक कई लोग ट्रेन के डिब्बों में फंसे हो सकते हैं, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा। राहत और बचाव के लिए 4 ट्रेनें रायगढ़, संबलपुर और विशाखापट्टनम से हुई रवाना। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की मुआवजे की घोषणा, मृतकों के परिवारों को 2 लाख, गंभीर तौर से घायलों को 50,000 देने का ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 103 सीटों की रखी है मांग। चुनावी गठबंधन को लेकर सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच हुई फोन पर बातचीत। दिल्ली में रामगोपाल यादव और प्रियंका वाड्रा के बीच हुई है बैठक। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी आज जारी करेगी घोषणा पत्र, अखिलेश के साथ मुलायम भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश घोषणा पत्र में तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर सस्ता भोजन और आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर 3 नए एक्सप्रेसवे शुरू करने का कर सकते हैं ऐलान। उत्तराखंड में आज आ सकती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट, शनिवार को कांग्रेस सीईसी की हुई बैठक। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, अंबिका चौधरी बीएसपी में शामिल, बलिया की फेफना सीट से लड़ेंगे चुनाव। अंबिका चौधरी के पार्टी छोड़ने पर समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह का बयान, जल्द समाजवादी पार्टी और बीएसपी में समझ आ जाएगा फर्क। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के कई अन्य करीबी भी हैं दूसरे दलों के संपर्क में, बातचीत के अलावा जारी है मुलाकातों का दौर, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, वरुण गांधी का नाम नहीं है। मुलायम सिंह यादव पुत्र मोह में कर रहे हैं नाटकबाजी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लगाया आरोप, कहा नाकामी को छुपाने की है कोशिश। मायावती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल, बोली विरोध की वजह से बीजेपी ने यूपी में सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस पर भी बरसी मायावती, कहा यूपी में कांग्रेस के पास नहीं है कोई सीएम पद के लिए चेहरा, एक दागी चेहरे को बनाया उम्मीदवार। आरक्षण के मसले पर मायावती का केंद्र पर निशाना, कहा खत्म नहीं करने देंगे आरक्षण, आरक्षण खत्म करने की सोच दिन में तारे देखने जैसा। आरक्षण पर छिड़ी बहस के बीच बीजेपी ने किया रुख साफ, अरुण जेटली ने कहा जातिगत आरक्षण के पक्ष में है बीजेपी, सामाजिक न्याय की भी रही है पक्षधर। यूपी के बुलंदशहर में चुनावी सभा में बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा मुसलमानों की पक्षधर होने का सिर्फ ड्रामा करती है पार्टी। यूपी के फतेहपुर से बीएसपी नेता देव कुमार का इस्तीफा, राष्ट्रीय सह सचिव इंद्रजीत सरोज और मुनकाद अली पर टिकट के बदले 2 करोड़ रुपए मांगने के आरोप लगाए। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा फूट गया मुलायम परिवार का भांडा, 6 महीने से जारी था ड्रामा, जनता देगी करारा जवाब। यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंची केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी, पूरनपुर से बीजेपी प्रत्याशी बाबूराम पासवान के लिए गांव में की सभाएं, मांगे वोट। में चुनाव को लेकर होंगे खास सुरक्षा इंतजाम, चुनाव आयोग ने 491 ब्लैक लिस्टेड लोगों की बनाई लिस्ट, पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। यूपी की बस्ती में एक गांव के मतदाताओं ने चुनाव से पहले प्रत्याशियों के सामने रखे विकास की शर्त, कहा जाति या धर्म के नाम पर नहीं सिर्फ विकास के नाम पर देंगे वोट। पंजाब के जलालाबाद में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने सुखबीर बादल के लिए किया चुनाव प्रचार, हरसिमरत कौर ने कहा बादल सरकार ने किए वादे पूरे। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट, 90 दिन में मैनिफेस्टो के वादे शुरू करने की बात कही। पंजाब के होशियारपुर में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अकाली दल और बीजेपी के साझा उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार, बादल का सिद्धू पर निशाना, कुर्सी के लालच में मोलभाव किया। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में आज होगा जल्लीकट्टू का आयोजन, सीएम पनीर सेल्वम आज मदुरई में करेंगे जल्लीकट्टू का उद्घाटन। तमिलनाडु सरकार के मंत्री भी जल्लीकट्टू में लेंगे हिस्सा, हर मंत्री अपने निर्वाचन जिले में करेंगे जल्लीकट्टू उत्सव का उद्घाटन। जल्लीकट्टू पर राज्यपाल ने दी अध्यादेश को मंजूरी, 23 जनवरी को असेंबली में लाया जाएगा जल्लीकट्टू का बिल। तमिलनाडु की जनता ने सीएम की अपील, आज जल्लीकट्टू में भारी संख्या में हिस्सा लें, प्रदर्शन में भाग लेने के लिए शुक्रिया कहा।
जल्लीकट्टू पर स्थायी हल के लिए आज भी प्रदर्शन, चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। भारतीय सैनिक चंदू चौहान के परिवार को उनका इंतजार, कल पाकिस्तान ने किया था रिहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए। भारतीय जवान चंदू चौहान की सुरक्षित रिहाई पर घर वालों का जश्न, खुद रक्षा राज्य मंत्री भामरे ने फोन पर दी जानकारी। चंदू चौहान की रिहाई को भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने बताया पाकिस्तान का एक बेहतर कदम, कुलभूषण यादव की भी रिहाई की उठाई मांग। सी न्यूज का बड़ा खुलासा, पाक खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए रची यूपी और बिहार में बड़े धमाके की साजिश। पाकिस्तान ने भारत के सामने रखी मांग, जम्मू कश्मीर में जारी भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तुरंत बंद करने के लिए कहा, विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने की दी धमकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने लगाई फटकार, गोवा की रैली में दिया था विवादित बयान, कहा था पैसे सभी पार्टियों से लेना लेकिन वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को देना। बीएमसी चुनाव में गठबंधन को लेकर शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने को कहा। रामदास कदम ने कहा कि एक तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस शिवसेना नेताओं को बातचीत के लिए बुलाते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। बीएमसी चुनाव में वोटरों को जागरूक करने के लिए धर्म गुरुओं की अपील, लोगों को बताया वोट डालना है कितना जरूरी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि ऑनलाइन हज यात्रा को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस, 24 जनवरी है आखिरी तारीख। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलसपा लैंडफील्ड साइट का किया दौरा, ठोस वेस्ट मैनेजमेंट नीति बनाने के निर्देश दिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर एक मंदिर की छत पर लाश मिलने से सनसनी, पत्थर से कुचल कर की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 32 लाख का सोना, दुबई ले जाई जा रही थी 6 सोने की छड़ें, दो लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पत्रकार बनकर व्यापारियों को ठगने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 सदस्य गिरफ्तार, गहने बरामद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में ड्रग्स के 2 गिरोह का पर्दाफाश किया, करोड़ों की कोकीन के साथ 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाने की कोशिश, वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार, युवती की हालत गंभीर। इंदौर में पुलिस ने वाहन चोरों के एक गैंग का किया पर्दाफाश, 2 आरोपियों से 13 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। इंदौर में पकड़ा गया अवैध हथियारों का जखीरा, 12 पिस्टल के साथ 12 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के भिंड में एक सब इंस्पेक्टर पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट और घर से निकालने का आरोप, SP से की पत्नी ने शिकायत। कानपुर में यूपी पुलिस के सिपाही ने शराब के नशे में जमकर किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी की धक्का मुक्की। बेटी की हत्या के दोषी एक शख्स की उम्र कैद की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखा बरकरार, 2010 में नईम खान ने की थी बेटी की हत्या। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत और 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक में महानगरपालिका चुनाव से पहले शिवसेना के एक नेता की हत्या, पुलिस के मुताबिक चुनावी रंजिश में की गई हत्या। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में 2 लड़के गिरफ्तार, आरोपियों ने बनाया था रेप का वीडियो। महाराष्ट्र के नासिक पुणे हाईवे पर मिनी बस और स्विफ्ट कार में टक्कर, 3 की मौत, 9 लोग घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 12 लड़कियों को छुड़ाया गया, 3 गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में मंगेतर की शादी से मना करने पर दुल्हन का लड़के के घर पर हंगामा, पुलिस ने थाने में कराई शादी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सरकारी दफ्तरों के बिजली बिल का 15 करोड़ रुपए बकाया, बिजली विभाग ने थमाया नोटिस। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों के झुंड ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला, पिछले 2 महीने से 40 हाथियों का झुंड इलाके में मौजूद। भोपाल भेल परिसर में हादसा, ठेका कर्मचारी पर लोहे की प्लेट गिरने से मौत, घरवालों का मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के अलराजपुर में स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का हाल बेहाल, कड़ाके की ठंड में कंबल तक नहीं नसीब, अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साधी। यूपी के गाजीपुर से रसूलपुर के सड़क बनाने के दौरान घोटाले का खुलासा, PWD द्वारा बनाई जा रही है सड़कें, लाखों रुपए के घोटाले का आरोप। फरुखाबाद में चल रहे अर्धकुंभ में गंदगी से परेशान कल्पवासी, अस्पताल में बढ़ी श्रद्धालु मरीजों की संख्या। मुंबई के मार्ग डिसूजा बेसहारा बुजुर्गों के बने सहारा, डब्बा सर्विस के जरिए पहुंचाते हैं खाना। गुजरात के खोडल धाम में 3.5 लाख लोगों ने गाया राष्ट्रगान, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया राष्ट्रगान गाने का।
दिल्ली के गांधीनगर में फुटओवर ब्रिज का लोग कर रहे हैं गाड़ी पार्किंग के लिए इस्तेमाल, पैदल चलने वालों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तर भारत में बढ़ सकती है और सर्दी, मौसम विभाग के मुताबिक आज से 27 जनवरी तक छाया रह सकता है बादल। अमेरिका सहित विश्व भर में ट्रंप का विरोध प्रदर्शन जारी, वॉशिंगटन और शिकागो में हुआ बड़ा प्रदर्शन। वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में विशेष प्रार्थना में शामिल हुए राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस, ट्रंप का पूरा परिवार प्रार्थना में शामिल। विशेष प्रार्थना सभा में अलग धर्म के लोग हुए शामिल, कई लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। रूस में राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में 1 किलो का चांदी का सिक्का बनाया गया, सिक्के में एक तरफ ट्रंप की तस्वीर और दूसरी तरफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पाकिस्तान के कुर्रम के बाजार में हुए बम धमाके में 21 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। हंगरी के छात्रों से भरी बस में आग लगने से 16 छात्रों की मौत, 40 घायल, हादसा इटली में ईबे पर हुआ। चीन के हुबई प्रांत में एक होटल के नजदीक भूस्खलन में करीब 14 लोगों के दबे होने की आशंका, होटल का एक हिस्सा भी गिरा। चीन के यूनान में जंगलों में लगी आग, 1700 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। रोमानिया में एक नाइट क्लब में आग लगने से 40 लोग घायल, कई लोगों ने बचने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी। भारतीय सेना ने उत्तरी मोसुल पर हमले तेज किए, सेना ने हेलीकॉप्टर के साथ टैंक का भी इस्तेमाल किया। उत्तरी चीन के डेटोंग शहर में 1 महीने तक चलने वाला लालटेन फेस्टिवल शुरू, अधिकारियों को उम्मीद पर्यटन बढ़ेगा। 30,000 रुपए के लेन देन पर दिखाना पड़ सकता है पैन कार्ड, बजट 2017 में कैश हैंडलिंग चार्जेस पर भी हो सकता है बड़ा ऐलान। 2.5 महीने के बाद वित्त मंत्रालय ने स्वीकारा, वापस नहीं लौटे नकली नोट। माइक्रोसॉफ्ट में छटनी की तैयारी, खतरे में 700 कर्मचारियों की नौकरी, 26 जनवरी को हो सकता है ऐलान। इंग्लैंड के साथ आज इडन गार्डन पर टीम इंडिया का आखिरी वनडे, क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। कैप्टन विराट कोहली ने नहीं की प्रैक्टिस, धोनी ने संभाली कमान, आखिरी वनडे मैच से पहले पिच का किया निरीक्षण। तीसरे वनडे से पहले भुवनेश्वर कुमार ने भरी हुंकार, कहा बिना दबाव के खेलेगी टीम इंडिया। तीसरे वनडे से बाहर हो सकते हैं शिखर धवन, चोटिल होने की खबर, शिखर धवन की जगह ले सकते हैं अजिंक्य रहाणे। इंग्लैंड की टीम को तीसरे वनडे से पहले तीसरा झटका, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स हुए चोटे। तीसरे वनडे से पहले युवराज सिंह ने कैंसर और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के साथ किया मुलाकात, हेजल ने भी जमकर की तारीफ। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 26 जनवरी को होने वाले T20 मैच की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। क्रिकेटर ऋषि धवन और फैशन डिजाइनर दीपाली चौहान ने की सगाई, समारोह में शामिल हुए करीबी लोग। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली में ट्रेन तक सफर करेंगे, इस दौरान फिल्म की पूरी टीम होगी साथ। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी 65वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जज, 30 जनवरी को आयोजित होगी प्रतियोगिता। कॉमेडियन और फिल्म स्टार कपिल शर्मा अब फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी रखेंगे कदम, फिल्म फिरंगी के साथ होगी नई पारी की शुरुआत। सागर पर हरिद्वार से 1600 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई पहुंचा अक्षय कुमार का फैन, अक्षय ने भी की मुलाकात, फैन के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। बॉलीवुड में अपनी डेब्यू फिल्म रईस के लिए प्रमोशन नहीं कर पाने का है माहिरा खान को अफसोस, पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कहा दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव ने छीन लिया मौका। लैक्मे फैशन वीक में शो स्टॉपर बनी सोनाक्षी सिन्हा, क्रूज शिप पर था शो।